कॉन्फिडेंस खो बैठे थे शोएब इब्राहिम, वाइफ दीपिका ने किया था उन्हें सपोर्ट। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। फेमस एक्टर एंड यूट्यूबर शोएब इब्राहिम इन दिनों झलक दिखला जा के मंच पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका डांस देखकर फैंस भी झूम उठते हैं। कई बार शोएब इब्राहिम इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि जजेस भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। वह शोएब इब्राहिम को उनकी फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि उनकी वाइफ हमेशा से ही उन्हें सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं और जल्द ही झलक दिखला जा का ग्रैंड फिनाले भी होने वाला है, जिस वजह से परफॉर्मेंस में परफेक्ट होने के लिए शोएब इब्राहिम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उनकी वाइफ दीपिका ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग शेयर किया है जिसमें उन्होंने शोएब इब्राहिम की उस कहानी को बताया है जब उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। जी हाँ, दीपिका ने बात करते हुए कहा कि शोएब इब्राहिम एक एक्टर थे, उन्हें पता नहीं था कि डांसिंग क्या होती है। जब उन्हें झलक दिखला जा के लिए ऑफ़र आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन शोएब उस टाइम भी नर्वस थे। वो सोच रहे थे कि मैं डांस कैसे करूँगा, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग आती है। वेल, दीपिका ने बताया कि उस वक्त भी मैंने और फैमिली ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया था कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जब से शोएब ने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया है तब से वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जिस वजह से उन्हें कम नंबर मिल रहे थे, लेकिन अब एंडिंग के दिनों में शोएब इब्राहिम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वेल, दीपिका ने अपने पापा से भी शोएब को वोट करने की अपील करवाई थी। इस ब्लॉग में यह साफ साफ दिख रहा है कि दीपिका और उनकी फैमिली किस तरह से शोएब इब्राहिम को सपोर्ट कर रही है। वेल, अब देखना यह होगा कि ग्रैंड फिनाले तक शोएब इब्राहिम पहुँच पाते हैं या नहीं। क्या वाकई ये ट्रॉफी शोएब के घर आने वाली है? ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।